हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट वे ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे इस ईगल आई व्यू सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ईगल आई व्यू एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आता हूँ जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आपको इन स्टॉक्स में बाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाय करें। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है कैमलिन फाइन साइंस। कैमलिन फाइन साइंस को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, अगर आप सिंपल तरीके से एक चीज को यहाँ पे समझो, ठीक है, प्राइस देखो यहाँ पे क्या कर रहा है। ये एक एरिया था मंथली टाइम फ्रेम का जहां से प्राइस ने हाई लगाने के बाद फॉल किया था। इस चीज को आप ध्यान से समझना, ठीक है। मैं और एक एरिया यहाँ पे मार्क करना चाहूंगा, हमारा ये वाला एरिया, ठीक है। ये हो गया हमारा 118 का एरिया। देखिए 118 के एरिया पे हमें कंटिन्यूअसली रिजेक्शन देखने को मिला, एकदम पिन पॉइंट रिजेक्शन है। और ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यानी कि एक एक कैंडल्स एक एक मंथ के हैं, ठीक है। देखिए अगस्त 2015 में यहीं से रिजेक्शन, नवंबर 2015 में यहीं से रिजेक्शन, अक्टूबर 2016 में यहीं से रिजेक्शन, जनवरी 2017 में यहीं से रिजेक्शन। तो मल्टीपल टाइम हमें यहां से रिजेक्शन एंड सपोर्ट देखने को मिला है, ठीक है। इस एरिया को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने एक हाई लगाया। हाई लगाने के बाद अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखाऊं, मैं जब भी आपको हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि जब तक ऑपरेटर बड़े प्लेयर्स जो हैं, जब तक वो बायर्स को निकाल नहीं देते, प्राइस पंप नहीं कर पाएगा। देखो इस एरिया पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, ये हमारा एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस था। यहां से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस फॉल, यहां से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस फॉल, प्राइस हैज ब्रोक दिस लेवल। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एग्जैक्ट इसी के आसपास आके रिटेस्ट लेके प्राइस बाउंस करने की कोशिश कर रहा था, दोबारा वहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस, बट तीसरी बार उसने उस एरिया को ब्रेक करा, दोबारा उसी लेवल को टच करा और उसके बाद देखो प्राइस वहां पे कैसे बाउंस कर रहा है। और ये चीज क्यों हुआ, क्योंकि इस सपोर्ट के आसपास जो बायर्स यहाँ पे बाई कर रहे थे थोड़ा नीचे का एसएल लगा के, यानी कि स्टॉप लॉस लगा के, यहाँ पे ऑपरेटर ने उन्हें मार्केट से बाहर निकाला, थोड़ा सा यहाँ पे उनका पेशेंस टेस्ट करा और उसके बाद देखो प्राइस को कैसे यहाँ पे पंप किया गया है। तो इसी तरीके से मार्केट चलता है। अब देखो डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एरिया था देखो जहां से प्राइस ने रिजेक्शन लिया था, उसके बाद ब्रेक करने के बाद बहुत चौपी हो गया था मार्केट, बार बार उसे ब्रेक कर रहा था, सस्टेन नहीं कर पा रहा था, ब्रेक कर रहा था, सस्टेन नहीं कर पा रहा था। अब देखो उसने क्या किया, इस बार ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा टाइम बिताने के बाद एग्जैक्ट वहीं से रिटेस्ट करके प्राइस इज रेडी टू बाउंस। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरे टारगेट्स क्या होने वाले हैं, मेरा पहला टारगेट होगा 200 के आसपास का और दूसरा टारगेट होगा मेरा 220 के आसपास का। तो ये हो गया आज का मेरा पहला स्टॉक, दैट इज कैमलिन फाइन साइंस। तो आज का हमारा दूसरा स्टॉक जो है वो है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सच बताऊं तो रेलटेल को मैंने, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मैंने इसी एरिया पे आइडेंटिफाई कर लिया था डेली टाइम फ्रेम पे। देखो इस एरिया पे रिटेस्ट करने के बाद ये बाउंस कर रहा था, बट कितना स्टॉक दूं मैं आपको एक दिन में मैं आपको चार स्टॉक देता हूं और कितने स्टॉक दूं, कितनों में आप इन्वेस्ट कर पाओगे। स्टॉक्स बहुत है जो चल रहे हैं, कोई स्टॉक्स थोड़ा रुक के चल रहे हैं, कोई स्टॉक बहुत तेजी से चल रहा है, तो कितने स्टॉक्स मैं आपको सजेस्ट कर पाऊं। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक ही मुझसे इस एरिया पे मुझे देने का मन था, बट कहीं ना कहीं मुझसे मिस हो चुका है, मुझे माफ करिएगा। बट इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी जो मैं आने वाले आपको अपने टारगेट बता दूं, आपको सेटअप तो समझ में आ गया होगा। देखिए यहां से रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन करके फॉल, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, एक वीक में इसने 45% का कैंडल बना दिया है। अब याद रखिएगा, एंट्री करना ना करना ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है, मैं बस अपना व्यू शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। मेरा जो पहला टारगेट होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो होगा 300 के आसपास का, इस एरिया के आसपास का मेरा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा मेरा 350 के आसपास का, ठीक है। तो ये दोनों मेरे टारगेट्स होने वाले हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, दैट इज रेलटेल कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो आज का जो हमारा तीसरा एंड फाइनल स्टॉक है वो है वास्कॉन इंजीनियर्स। वास्कॉन इंजीनियर्स को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, अगर आप इस चीज को एकदम ध्यान से देखो, देखो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, प्राइस ने इस एरिया पे देखो मल्टीपल टाइम रिएक्शन लेके प्राइस ने इस एरिया से फॉल करा, फॉल करने के बाद एग्जैक्ट यहीं से रिटेस्ट लेके प्राइस ने फॉल करा, दोबारा देखो इस एरिया को ब्रेक किया बट वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से फॉल करा, फॉल करने के बाद देखो उसके बाद फिर एक बार 2017 में उसी एरिया से प्रॉपर रिजेक्शन, और रिजेक्शन लेने के बाद अभी देखो रिसेंटली उसने उस एरिया को ब्रेक करा हुआ है। यहाँ पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो तो हमें एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट भी दिख रहा है। देखो यहाँ से पहले रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन के बाद यहाँ से प्राइस थोड़ा फॉल करा, ये दिखा के कि ये फिर से रेजिस्टेंस बन चुका है, तुम यहाँ से सेल करके निकलो,
फिर यहां से देखो ब्रेकआउट आया एग्जैक्ट यहीं से रिटेस्ट और अब प्राइस बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैंने क्यों बोला कि 60 रुपए का स्टॉक है, 180 का टारगेट है। अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखोगे ना तो 170 पे मैंने मार्क करके रखा है, बट इसका ऑल टाइम हाई 195 के आसपास है। ये पर्टिकुलर स्टॉक आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस एरिया पे कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट नहीं है, एकदम वन वे इसने फॉल करा है। तो जो रैली भी आएगी वो वन वे रैली हो सकती है। याद रखिएगा ये मेरा ओपिनियन, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ही इसमें कामकाज करिएगा, ठीक है। तो यही था वो स्टॉक जिसमें मैंने आपको बोला कि 60 रुपीज का स्टॉक है जो 180 तक भी जा सकता है। तो यही थे आज के हमारे 3 स्टॉक जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर आपको ये वीडियो सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इसी तरीके के स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के 2 वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं डेली बेसिस पे जो भी स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं मैं उन पे अपना व्यूज आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।